الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله وعن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان يصيبنا ذلك تعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه متفق عليه وعن عائشه رضي الله تعالى عنها ايضا ان فاطمه بنت ابي حبيش كانت تستحاض فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضه فاذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه واذا ادبرت فاغتصلي وصلي واذا ادبرت فاغتسلي وصلي اخرجه البخاري وفي روايه للبخاري ثم توضئي لكل صلاه म भाइयों अल्लाह रबालबीन ने बनाथ आदम खुवात पर सिलसिला जारी किया है और उन पर यह एक आदत अल्लाह रबालबीन ने उनकी फितरत में दाखिल कर दी है और हैत ये फासिद खून है ख़राब खून है जो खवातीन के रहम से निकलता है जब खातून इस हालत से गुज़रें तो उनके लिए कुछ खास ख़ासकाम शरीयत में वारिद हैं जो उनकी इबादत से और उनके शौहर के उनके साथ तल्लक़ से मुतल हैं उनकाम का जानना ख़वान के लिए अज़हद ज़रूरी है उन पर ये अहकाम और इन मसाइल का जानना वाजिब है मतलब एक और हालत ज़िक्र की जाती है वो है इस्ता की हालत जो कि हैद के अलावा है इस्तेबाद से अलग है इस सूरत में खातून से बगैर इनकता के बगैर रुके हुए या मामूली मुद्दत तक जो है रुकने के बाद फिर से खून जारी हो जाता है जो कि हैद नहीं है इसे इस्तिहादा कहा जाता है और उसके अलग अहकाम हैं जो उसके साथ खास हैं मैंने आपके सामने जो आयत और हदीसें पेश की हैं उनमें इन्हीं से मुतालिक कुछ अहकाम मस्कूर हैं अल्लाह रब्बुल रबीन सूरह बकरा की आयत रंबा दो सौ बाविस में इर्शाद रमाते हैं वयस अलोन का अनिल महब ए नबी पाक वसल्लम लोग आपसे हैद के बारे में सवाल करते हैं आप कह दीजिए वो गंदगी है في المحيط इस हालत में तुम अपनी बीवियों से अलग रहो ولا تقربوهن حتى يطهرن और तुम उनके करीब ना जाओ उनसे सुहबत ना करो यहाँ तक कि वो उस खून से उस गंदगी से पाक हो जाए फैदा था हर न जब वो गसल कर लें पाक हो जाए साफ़ सुथरी हो जाए तो जिस तरह से अल्लाह आलमीन ने तुम्हें हुक्म दिया है उस तरह से तुम उनसे सोहबत करो हजरत आयशर त से मरवी एक मुतफ़ा कल रिवायत है कहती हैं कि जब हमें इन हालात से गुजरना पड़ता था तो हमें रोज़ों की कज़ा का हुक्म दिया जाता था लेकिन नमाज के कजा का हमें हुक्म नहीं दिया जाता था इस हदीस से हमें यह मालूम हुआ कि जब खातून इस हालत से गुजरे तो उसे रोजा भी नहीं रखना है और नमाज भी नहीं पढ़ना है अलबत् इस हालत से गुजरने के बाद पाकी और तहारत की हालत में रोजे की कजा करनी होगी नमाज जो छोटी उनकी कजा नहीं करनी होगी यह मुतफ़ल है रिवायत है।, है आयशा से ही एक और रिवायत मरवी है वो कहती हैं कि फातिमा बिनते अबी खुबैश को इस्तः की शिकायत हुआ करती थी उन्हें इन हालत से इस हालत से गुजरना पड़ता था तो उन्होंने रिपाप सल वसलम से सवाल किया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम मुझे इस हालत से गुजरना पड़ता है और खून बंद नहीं होता रुकता नहीं है ये ये कैफियत है तो नहीं पा सल्मा तरकन वो एक रग है उसकी वजह से जो है ये परेशानी खातून को होती है वल सबा और ये हैद का जो मरूफ खून है वो नहीं है फ़ैदाकैला जब खातून को हैद आए जो मरूफ मुदत में होती है मरूफ मुद्दत और मरूफ वक्त और मरूफ सिफ़त के साथ जब ये हैद का ख़ून आए तो वो नमाज़ को छोड़ दे और जब वो मुद्दत ख़त्म हो जाए औरत पाक हो जाए फी वसली फिर तुम वसल करो और नमाज पढ़ो मतलब ये है कि जब हैद के मखसूस अयाम हो उनमें औरत नमाज नहीं पढ़ेगी जब वो मखसूस मुद्दत और मखसूस सिफ़त ख़त्म हो जाए अगर चे खून अब भी आ रहा हो तो खातून मेरे भाइयों नमाज पढ़ेगी नहा लेगी गुसल कर लेगी और फिर वो नमाज शुरू कर देगी ये बुखारी शरीफ की एक रिवायत है बुखारी शरीफ की एक और दूसरी रिवायत के अंदर है जुम्म तो सला जब मखसूस एयाम मखसूस सिफत का खून ख़त्म हो जाए फिर भी जो है आम खून जारी है अभी भी तो मखसूस एयाम के गुज़रने के बाद अब खातून गसल कर लें और हर नमाज के लिए वजू कर लिया करें हर नमाज के लिए उजू करके जो है वो नमाज पढ़ा करें वो नमाज अब मखसूस एयाम के बाद नहीं छोड़ेंगे अगरचे खून का जो है बंद जो है खून अब तक बंद ना हुआ हो खून का जो है बहना पाया जाता हो तो इस दर्श में आज मेरे भाइयों हमने जाना कि अगर खातून हालत है से गुजर रही हैं तो उनसे नमाज साकित हो जाती है वो नमाज नहीं पढ़ेंगे यहां तक कि वो पाक हो जाएं तहारत के हालत में आ जाए और जो मखसूस अयाम में नमाजें छूटी हुई हैं उनकी कज़ा भी खातून पर वाजिब नहीं है वो कज़ा भी नहीं करेंगी लेकिन अगर रोज़ा छूटा हुआ है रमज़ान के दिनों में मिसाल के तौर पर अगर इन हालात से खातून को गुजरना पड़े तो जिन अयाम में ये हालत होगी जिन याम में ये हालात होंगे उनमें वो रोज़ा नहीं रखेंगे लेकिन बाद में छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी उसके बाद हमने ये भी जाना कि जब इस हालत से पाक हो जाए खातून जब इस हालत से गुजर जाए और जो है ये खून ख़त्म हो जाए और पाक हो जाए तो खातून के ऊपर गुस्ल करना वाजिब है खातून के ऊपर गुस्ल करना वाजिब है जब इन एयाम से गुजर कर पाकि की हालत में आ जाए तो और हमने आज इस्तेहादा के बारे में जाना कि अगर किसी को यह शिकायत है तो वह गुस्ल करेंगे जब पाक हो जाए तो गुस्ल करें और हर नमाज के लिए वजू करें जब नमाज का वक्त हो जाए तो हर नमाज के लिए उसका वक्त हो जाने के बाद गसल करें और नमाज पढ़ा करें इस हालत में नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं है नमाज पढ़ना है एक बार गसल करें जब पाक हो जाए जो मखसूस मुद्दत ख़त्म हो जाए पाक हो जाए तो जो है गसल कर लें अगरचे अब तक जो है खून जो इस्तेहादा का है जो इल्लत का खून है वो बाकी हो जब ये मखसूस दिन ख़त्म हो जाएं तो अब खातून गसल कर लें और अब हर नमाज के वक्त जब वक्त दाखिल हो जाए तो गसल करके बल्कि गसल नहीं करना गसल से पहली बार करना है जब मखसूस अयाम गुजर जाए और जो मखसूस सिफत का खून है वो ख़त्म हो जाए तो खातून उस वक्त गसल कर लेगी और हर नमाज के वक्त होने के बाद वजू करेगी उजू करके जो है नमाज पढ़ेगी जैसा कि हनाबला का कौल है इस मसले में और कौल है कुछ कहते हैं कि नफल और फ़र्ज दोनों नमाज़ों के लिए खातून हर नमाज के लिए वजू करेगी कुछ कहते हैं नहीं सिर्फ नफल के लिए करेगी कुछ कहते हैं नहीं अगर वज़ू है इसके अलावा किसी और नाकिस की वजह से वजू नहीं टूटा है तो खातून जो है नमाज पढ़ सकती है वजू करने की बार बार हर नमाज के लिए ज़रूरत नहीं है लेकिन हनाबिला का कौल यही है कि हर नमाज के लिए खातून वजू करेगी गुसल सिर्फ जब मखसू सयाम से पाक हो तभी करेंगे एक हदीस के मुताबिक ये आया है कि मैं हबीबा रदी अल्लाह गालिबन हर नमाज के लिए जो है गुसल करती थी हर नमाज का जाने के बाद गुसल करती थी लेकिन उस हदीस के अंदर मेरे भाइयों का रसूल सल्हु वसलम का अमर नहीं है बल्कि यह उनका अपना फैल है जो ऐसा करना चाहे कर सकता है लेकिन यह सला वम का हुक्म नहीं है और जो हदीस आज हमने इमाम बुखारी के यहाँ रिवायत जानी है तो मतवल इसके बारे में बुलमा कराम ने कुछ कलाम किया है तो जो वजू करे बेहतर है नहीं वजू करे उसके उनके यहाँ जो है दूसरा कौल राज़े हो कि नहीं अगर किसी और नाकिस को से वजू नहीं टूटा है तो वजू नहीं करेंगे तो ना करें कोई हरज नहीं इन शम्र इसमें वासे है अल्लाबाल हम तमाम तो लोगों को कुरान सुन्नत को समझने और उसके मुताबिक हमल करने और कुरान सुन्नत की तलीमत को लोगों में आम करने की तोफ़ी कताफरमाएँ मेरे भाइयों अब तक हमने खातून के बारे में जाना कि जब उनको इन अयाम से गुजरना पड़े तो उन्हें किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए अब आइए हम चंद अहद देखते हैं जिनमें हजरत के लिए मर्द हजरा के लिए जो है कुछ तालीमत हैं कि जब उनकी खुतिन उनकी बीवियाँ उनकी शरीक हयात जब इन अयाम से गुजरे तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हित अबू हरर रदी अल्लाह तवी हदीफ हैं कहते हैं कि रसोल सल्ह वसलम ने इर्शाद ररमाया इमाम अहमद और अबू दाऊद ने इस हदीस की तखरीज की है और अलामा लालबानी ने इसे मशिकात के अंदर कहा है कि इसकी इसनात इसकी सनत जो है सही है हत अबू कहते हैं कि रसोल सल्हम ने इर्शात फरमाया मन आता काहिना फ़कत बर महमदिन जो किसी काहन के पास जाए सवाल करे उसकी तस्दीक करे या अपने बीवी से जो है हालत हैद में सहबत करे या अपने बीवी से जो है पीछे के रास्ते से सहबत करे तो वो आप अलैहि वसल्लम के लाई हुए शरीत से जो है खारिज हो जाता है बरी हो जाता है आप वसल्लम पर जो अहकाम नाजिल हुए हैं उससे वो बरी हो जाता है ये रिवायत जैसा कि हमने जाना इमाम अहमद और अबू दाऊद की है और ने मिशकात के अंदर इसे सही उस्नाद कहा है आयशर रज त से एक रिवायत मरवी है कहती हैं कि जब हम इसे किसी को इन अयाम से गुज़रना पड़ता और रसोल सल वम को हमारी ज़रूरत होती तो आप सल्ह वम हमें लंगोट कसने का हुक्म फरमाते और फिर हमसे आप से आप सल्हम जो है मुबाशरत करते जमा के अलावा तमाम जो है अमाल आप सल्ह अंजाम देते ये बुखारी शरीफ़ की रिवायत हैं हैदल रदी तआला त से एक रिवायत मरवी है कि रसूल सल्ह वसम के साथ में एक मरतबा लेटी हुई थी एक चादर के अंदर मैं मैंता वसम के साथ थी कि मुझे उसी दौरान जो है हैद का जो है मरहला शुरू हुआ तो मैं चादर से निकल गई और अपने जो है मैंने हैद के जो मखसूस कपड़े थे मैंने उसे पहनना शुरू कर दिया मैंने उसको जो है लिया तो आप ने फ़रमाया थे क्या तुम्हें मखसूस अयाम से गुज़रना पड़ रहा है क्या तुम्हारा मखसूस अयाम जो है तुम्हारे शुरू हो गए हैं मैंने कहात उम्म सद्ल्ला तहती हैं कि मैंने कहा हाँ अल्लाह के रसूल सल्ला व्लम हाँ यही मामला है तो नई पा सल्लम ने मुझे बुलाया और मैं उनके साथ उसी चादर में लेट गई ये बुखारी शरीफ की रिवायत है मेरे भाइयों हम ने जो ख़वा से मुतालिक अहकाम थे उन्हें जाना अब हम इन अहदीत की रोशनी में वो अहकाम जानने वाले हैं जो शौहर हजरात से मुतालिक हैं मर्द हजरात से मतलक हैं कि वो जब ख़वात इन एयाम से गुजरें उनकी शरीक हयात इन एयाम से गुजर रही हों तो वो मेरे भाइयों जमा के अलावा तमाम आमाल उनके साथ कर सक तमाम तरह से उनसे जो है इस्तादा कर सकते हैं उनके साथ जो है सोने बैठने में कोई हरज नहीं है एक मुसलमान को इन इन उमूर का जानना जो है बहुत ज़रूरी है ताकि मुसलमान किसी महदूर में या हराम काम में वाक़ ना हो जाए या अपने आप पर ऐसी चीज़ को हराम ना कर ले जो उसके लिए जो है अल्लाह रबूबी ने जायज़ करार दी है तो जो अहदीस हमने पढ़ी हैं अदीस जो हमने जो है अपनी निगाह से गुजारे हैं उनमें जो हमें फ़ायद हासिल हुए पहला फ़ायदा ये है कि ायद जो ख़ातून हैद की हालत में हों उनसे जो है जमा करना जो है जायज़ नहीं है हराम है बल्कि ये कबीरा गुनाहों में से है हमने ये भी जाना कि जमा के अलावा शर्मगाह में जमा के अलावा जो भी तरह से इंसान अपने बीवी से इस्तेफादा कर सकता हो जिस तरह से बेलोंदोज़ हो सकता हो ये जायज़ है लेकिन खातून को चाहिए कि वो इस सूरत में लंगोट कस ले लंगोट कसने के बाद जिस तरह से शोहर चाहे वो अपनी बीवी से हो सकता है इसी तरह से हमने आज के इस दरस में ये भी जाना कि हम अपनी हायदा या मखसूस सयाम से गुज़र रहे जो बीवी हैं उनके साथ उठ बैठ सकते हैं उनके साथ खाना खा सकते हैं उनके साथ सो सकते हैं इसमें कोई हरज नहीं है सब जायज है जो चीज इस हालत में हराम होती है वो है शर्मगाह में जमा करना उसके बाद हमने ये भी जाना कि खातून से हर हालत में पीछे के रास्ते से जमा करना हराम है और इसके बारे में सख्त वायद शरीयत के अंदर वारिद हैं मेरे भाइयों आज के इस हल्के में बस इतना ही अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत को समझने कुरान और सुन्नत के अहकाम पर अमल करने और उन अहकाम को लोगों में आम करने की तौफीक अता फरमाए अकुल कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि दम फस्तगफिरु انه هو التواب الغفور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب